आज हम आपको खर्राटा यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर और इसको स्लोरिंग भी कहते हैं, इसको ठीक करने की एक होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा। इस दवा का रेगुलर प्रयोग करने से अगर आपको खर्राटा आती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और कारगर दवा है, तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिजीज से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो रात के 8 से 9 के बीच में लाइव आता हूँ, तो उसमें आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक एट होम में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, आज हम आपको खर्राटा यानी स्लोरिंग इनको ठीक करने की एक होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका रेगुलर प्रयोग करने सोने के बाद खर्राटे आती है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और कारगर दवा है और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा का यूज करने से बहुत सारे लोग को फ़ायदा मिला है और वो ठीक भी हुए हैं। तो खर्राटे की प्रॉब्लम हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को होती ही है, जिसके कारण उसके साथ में सोने वाले व्यक्ति परेशान हो जाता है और वह व्यक्ति उसके साथ सोना नहीं चाहता। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो वह खर्राटा लेता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि हम खर्राटा ले रहे हैं। वो खर्राटा लेता है और उसके साथ जो व्यक्ति सोता है या उसका पार्टनर सोता है तो उसको वो प्रॉब्लम होती है और वह उसके साथ सोना पसंद नहीं करता है। तो इसी को ठीक करने के लिए एक होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जो बहुत अच्छी और बहुत ही कारगर है। अब हम जानते हैं खर्राटा आने के कारण। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारी श्वास की नली थोड़ी पतली होने लगती है, जिसके कारण हमारी श्वास की नली में प्रेशर आने लगता है और ये श्वास की नली पतली होने लगती है। जब हम सोते समय सांस लेते हैं तो अंदर की हवा उस नली के साथ घर्षण करती है, तो वही घर्षण एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे हम खर्राटा कहते हैं या स्लोरिंग कहते हैं। अब हम जानते हैं खर्राटा होने के कारण या खर्राटा आपको क्यों आती है। जो व्यक्ति ज़्यादा मोटे होते हैं उनको खर्राटा आने की संभावना ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो व्यक्ति खर्राटा लेते हैं। यदि आपको नेजल पॉलीप की प्रॉब्लम है तो आपको खर्राटा आप ले सकते हैं। यदि आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो आपको खर्राटा आ सकती है। टॉन्सिल बढ़ने के कारण खर्राटे की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपको खर्राटा आ सकती है। यदि आप ज़्यादा थके हुए होते हैं, अगर आप सोते हैं तो आपको खर्राटा आती है या खर्राटा तेज या कम हो सकती है। इन सब कारणों से आपको खर्राटा आती है सोते समय। अब हम जानते हैं इसके लक्षण। यदि आप गहरी नींद में सोते हैं तो आप अगर खर्राटा लेते हैं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका सांस रुक भी सकता है। तो अगर आपका सांस रुकता है तो आप झटके के साथ उठेंगे या झटके के साथ आप जग जाएंगे और आपकी नींद खुल जाएगी। अगर आप गहरी नींद में हैं तो आपको तेज खर्राटा ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं दवा की ओर। पहली दवा का नाम है WL-45। यूज करने का तरीका 1/4 कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम लेना है। और दूसरी दवा का नाम है EPCOG-200। यूज करने का तरीका 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम में। इन दोनों दवा का प्रयोग करके आप खर्राटे को जड़ से ही ठीक कर सकते हैं। यह खर्राटे की बहुत अच्छी और कारगर दवा है। इस दवा का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों का खर्राटा ठीक हुआ है। तो यह होम्योपैथी की बहुत अच्छी और कारगर खर्राटे की दवा है, तो एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें। अब दवा लेते समय कुछ ध्यान देने वाली बात। दवा लेते समय मुंह को बिल्कुल साफ रखें, दवा का प्रयोग करें। मुंह से किसी प्रकार का स्मेल, लहसुन, प्याज, पान, गुटखा, तंबाकू का स्मेल नहीं आना चाहिए। मुंह को बिल्कुल साफ रखें, दवा का प्रयोग करें तो दवा ज़्यादा फायदा करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। दवा लेने से पहले कोई नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।